आरती चौधरी, कमला भगोड़ा, हेमलता मीणा आई है, वे भी निधि कुमारी, निशा भागड़ी, खुशी मीणा, मनीषा रेगर, कविता शर्मा, मंजू कलासुआ, हेमलता मीणा। आज अपन बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो एक स्लाइड मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। वॉट आर वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं की आर्थिक महत्व या जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले बात करेंगे बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लाभकारी गतिविधियों के बारे में। फर्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी, जीवाणु एवं भूमि का उपजाऊपन, जीवाणु एवं भूमि का उपजाऊपन। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है जो भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करते हैं, या पौधों को भूमि से नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के जीवाणुओं को तीन वर्गों में विभेदित किया गया है। पहला है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिकारक जीवाणु। तो ऐसे जीवाणु मिट्टी में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, एवं इसके बाद ये मुक्त अमोनिया जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से संयोग कर अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। कुछ अन्य उत्पादक फसलों में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में अमोनियम यौगिकों का उपयोग होता है। तो हम देखते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के प्रमुख उदाहरण है बैसिलस माइकोइडस एवं बैसिलस रेमोसस। अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो कुछ जीवाणु प्रजातियां वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को सरल अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देती हैं, और इसके निम्न उदाहरण हैं। उदाहरण क्या क्या है? पहला है पिटा मृदा में स्वतंत्र रूप से रहने वाले कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर तथा क्लोस्ट्रिडियम मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु से नाइट्रोजन अवशोषित करके इनको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो हम देखते हैं इनकी मृत्यु होने पर इनके अपघटन से उत्पन्न अमोनिया जीवाणुओं की सहायता से पहले नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट में परिवर्तित होती है। तो इन यौगिकों का उपयोग पौधों के द्वारा पोषण के लिए किया जा सकता है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड है फेबेसी कुल के पौधों जैसे मटर व चना इत्यादि की जड़ों में ग्रंथियां रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं। इनमें उपस्थित राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु वायु में उपलब्ध नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। इस सारी प्रक्रिया में पौधे जीवाणु को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराते हैं, जबकि जीवाणु बदले में पौधे को नाइट्रोजन यौगिक देते हैं। यह सहजीविता सिम्बायोसिस का एक उदाहरण है। इसके द्वारा मृदा की उपजाऊपन में वृद्धि होती है। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिकारक जीवाणु। तो ऐसे कुछ जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीवाणु प्रजातियां जैसे नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, जीवाणुओं का उद्योग में महत्व। तो एक स्लाइड मैं शेयर कर देती हूँ जीवाणुओं का उद्योग में महत्व। तो पहले तो आप देखना अपन किसकी बात कर रहे हैं, जीवाणुओं का उद्योग में महत्व। तो एक टेबल दिखा देती हूँ पहले, विभिन्न डेयरी उत्पादों से संबंधित जीवाणु। तो डेयरी प्रोडक्ट क्या है? बटर मिल्क या छाछ। इसमें कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस बैलोरिकस। दूसरा है योगर्ट। क्या है? योगर्ट। तो इसमें बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। एक है आपका कर्ड दही। तो इसमें बैक्टीरिया कौन से हैं? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस व लैक्टोबैसिलस। फिर है आपका चीज मतलब पनीर। तो इसमें बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस लैक्टस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। ठीक है। एक है आपका
एसिडोफिलस, एसिडोफिलस मिल्क है ना, तो एसिडोफिलम दुग्ध में, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री, बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की इंडस्ट्री में क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो स्लाइड मैं इसी की शेयर कर रही हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस इन डेयरी इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंस इन डेयरी इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग, डेयरी उद्योग एवं भोजन प्राप्ति में बैक्टीरिया का महत्व। तो दूध में विभिन्न प्रकार के डंडाणु जैसे बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडी और बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी इत्यादि पाए जाते हैं। क्या बता रही हूँ, दूध में विभिन्न प्रकार के डंडाणु जैसे बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी इत्यादि पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का फर्मेंटेशन करके इसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दूध खट्टा हो जाता है। तो अतः इससे दूध को सुरक्षित रखने हेतु दूध को 15 सेकेंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दूध में लैक्टिक एसिड के जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है, लेकिन इनके सभी बीजाणु और कोशिकाएं नष्ट नहीं होती, परंतु रोगकारी बीजाणुओं की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पाश्चरीकृत दूध साधारण दूध की तुलना में अधिक समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित रहता है। तो अपन ने क्या देखा कि इम्पोर्टेंस इन डेयरी इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग। इसी प्रकार पनीर, दही, मक्खन व सिरका प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जीवाणु कार्यशील होते हैं। आवाज रिकॉर्डिंग चल रही है, अब बोलना आवाज आएगी तो आगे बढ़ेगी, है ना। फिर रिपीट कर रही हूँ, फिर एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, हमको आवाज आए तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वापस रिपीट कर रहे हैं इसी को, इम्पोर्टेंस इन डेयरी इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग। तो दूध में विभिन्न प्रकार के डंडाणु जैसे बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडी और बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिसी इत्यादि पाए जाते हैं। ये दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का किण्वन फर्मेंटेशन करके इसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दूध खट्टा हो जाता है। अतः इससे दूध को सुरक्षित रखने हेतु दूध को 15 सेकेंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, और इस प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसी प्रकार पनीर, दही, मक्खन व सिरका प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के जीवाणु कार्यशील होते हैं, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री में जीवाणु के द्वारा लैक्टोज शर्करा से लैक्टिक एसिड निर्माण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा मक्खन एवं पनीर बनाया जाता है। इसके अंतर्गत दुग्ध प्रोटीन केसन जमकर अलग हो जाती है। अब बात करते हैं पेय पदार्थ, बिवरेज मतलब कॉफी, कोको तथा चाय, टी के उत्पादन में भी जीवाणुओं का महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद योगदान है। जीवाणु बैक्टीरिया चाय की पत्तियों का परिपक्वन तो करते ही है, परंतु इसके साथ ही इनमें एक विशेष प्रकार की सुगंध, एरोमा एवं
सुरुचि फ्लेवर भी पैदा करते हैं। तो कॉफी में चॉकलेट जैसा स्वाद भी जीवाणुओं की सक्रियता का ही परिणाम है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड एसिडिक एसिड, एल्कोहल एवं सिरका उत्पादन। तो एल्कोहल से सिरका बनने की प्रक्रिया भी एक अन्य छड़ाकार जीवाणु बैसिलस एसिटी द्वारा संचालित होती है। सिरके का स्वाद एवं गंध इसमें उपस्थित एसिटिक एसिड के कारण होता है। सिरके का स्वाद एवं गंध इसमें उपस्थित एसिटिक एसिड के कारण होता है। इस अम्ल की वजह से ही सिरका प्राप्त होता है। तो शर्करा के घोल के किण्वन द्वारा सिरका प्राप्त करने में माइकोडर्मा नामक जीवाणु सहायक होता है। अब अपन देखते हैं टोबैको इंडस्ट्री, तंबाकू उद्योग। तो तंबाकू टोबैको की पत्तियों के क्योरिंग एवं राइपनिंग परिपक्वन का कार्य कुछ विशेष जीवाणुओं के द्वारा होता है। जैसे है बैसिलस मेगाथेरियम, एक है माइकोकोकस। तो विभिन्न प्रभेदों के जीवाणु ही इनमें विभिन्न प्रकार की गंध फ्लेवर के लिए उत्तरदायी है, जिससे इनकी कीमत बढ़ती है। अब बात करते हैं लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग में। तो इस उद्योग में जीवाणुओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ जीवाणु जंतुओं की त्वचा पर पाए जाने वाले बाल एवं वसा फैट्स आदि का विघटन कर देते हैं, जिससे त्वचा व बाल अलग अलग हो जाते हैं और ये चमड़ा उपयोगी हो जाता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, औद्योगिक विलायक। तो अनेक नित्य प्रति काम में आने वाले पदार्थ एवं औद्योगिक विलायक को जीवाणुओं की फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एसीटोन एवं ब्यूटाइल एल्कोहल इत्यादि कुछ ऐसे ही उपयोगी पदार्थ हैं जिनको जीवाणु किण्वन जिनको बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये पदार्थ औषधियां, मेडिसिंस, मदिरा, सेंट्स, सुगंधियां, रंग, पेंट्स, आर्टिफिशियल रेजिंस एवं क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार है केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग। तो विभिन्न प्रकार के उपयोगी जैव रसायन जीवाणुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख उदाहरण निम्न प्रकार है। पहला है डेक्सट्रिन नामक उपयोगी बाह्य कोशिकीय पॉलीसेकेराइड ल्यूकोनोस्टॉक नामक जीवाणु की सक्रियता के कारण निर्मित होता है। डेक्सट्रिन का उपयोग खाद्य पदार्थों में स्टेबलाइजर स्थायी कारक के रूप में किया जाता है। ये कोशिका के सूक्ष्म अणुओं माइक्रो मॉलिक्यूल्स के वियोजन आइसोलेशन तथा बड़े अणुओं का अणुभार ज्ञात करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो अपन बात करते हैं ब्यूटायरिक एसिड एवं एसिडिक एसिड का उत्पादन। ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा शर्करा के किण्वन से होता है। एक अन्य जीवाणु प्रजाति क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम के द्वारा एसिटिक एसिड का एसिटोन एवं ब्यूटेनॉल में रूपांतरण कर दिया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं कि जीवाणु कौन सा जीवाणु है, एरियोबैक्टर से ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल का उत्पादन होता है। यह रसायन रबर संश्लेषण तथा अन्य पॉलीमर्स के बनाने में काम आता है। और कुछ जीवाणु जैसे कि माइक्रोकोकस एवं आर्थोबैक्टर ग्लूटामिक एसिड तथा तथा को,
तथा कॉर्निबैक्टीरियम लाइसिन जैसे महत्वपूर्ण अमीनो एसिड्स के बनाने में काम आते हैं। तो ई कोलाई जीवाणु की पुनर्योगस डीएनए वैरायटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैरायटी द्वारा जैविक इंसुलिन का उत्पादन होता है। इसका उपयोग मधुमेह डायबिटीज के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है फाइबर इंडस्ट्री रेशा उद्योग। तो जूट सन आदि पौधों के तनों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, फाइबर्स प्राप्त किए जाते हैं। इन रेशों को अन्य पदार्थों से पृथक करने में जीवाणु बैक्टीरिया का योगदान महत्वपूर्ण है। तो पौधों को जल में डुबो दिया जाता है जहां क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइडियम जैसे जीवाणुओं की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप फ्लोएम रेशों को छोड़कर अन्य ऊतक नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है विविध उत्पाद मिसलेनियस प्रोडक्ट्स। तो जीवाणु एसिटोबैक्टर सुऑक्सीडेंट क्या बोलेंगे एसिटोबैक्टर सुऑक्सीडेंट्स के द्वारा अनेक पदार्थों का उपयोग करके डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन व कीटो ग्लूटेनिक एसिड का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार जीवाणु स्यूडोमोनास के द्वारा 2 कीटो ग्लूकोनिक एसिड व स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा कोबलेमिन का एवं बैसिलस सबटेलिस के द्वारा एंजाइम एमाइलेज तथा प्रोटीएज का उत्पादन होता है। तो जीवाणु स्यूडोमोनास के द्वारा 2 कीटो ग्लूकोनिक एसिड का व जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिरेसियस के द्वारा कोबलेमिन का एवं जीवाणु बैसिलस सबटेलिस के द्वारा एंजाइम एमाइलेज तथा एंजाइम प्रोटीएज का उत्पादन होता है। तब बात करते हैं रोल ऑफ बैक्टीरिया इन मेडिसिंस, जीवाणुओं का औषधियों में योगदान। पहला है विटामिन्स। तो जीवाणुओं की कुछ प्रजातियों के संवर्धन से विटामिन्स प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम एसिटो ब्यूटाइलिकम के संवर्धन द्वारा राइबोफ्लेविन नामक विटामिन बी का संश्लेषण होता है। कुछ जीवाणु जैसे ई कोलाई मनुष्य की आंत में सहजीवी सिम्बायोंट के रूप में रहते हैं, जो विटामिन बी का निर्माण करते हैं एवं पाचन के लिए कुछ जरूरी एंजाइम्स भी उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है हर्बीवोर्स शाकाहारी चौपायों। हर्बीवोर्स जैसे घोड़ा गाय भैंस आदि में तो प्रोटोजोअन्स के साथ साथ जीवाणु सेल्युलोज के पाचन में सक्रिय योगदान देते हैं, क्योंकि इन स्तनपाई शाकाहारी प्राणियों में उत्पन्न किसी भी एंजाइम के द्वारा सेल्युलोज का पाचन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है माउथ कैविटी मुख गुहा। तो आंत्र श्वसन नाल आदि अंगों में विभिन्न जीवाणु पाए जाते हैं जो बाहर आने वाले रोगकारी सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स को नष्ट कर देते हैं। ये उपयोगी प्रक्रिया इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए कुछ रासायनिक पदार्थों के कारण ही होती है। नेक्स्ट है प्रतिजैविक औषधियां एंटीबायोटिक्स। लगभग 50 से भी अधिक प्रकार की महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणुओं से प्राप्त होती है, जो जानवरों एवं मनुष्यों के अनेक गंभीर रोगों के उपचार में उपयोगी है। इन दवाओं का उपयोग ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न रोगों में किया जाता है। अब अपन बात करते हैं जीवाणुओं द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रतिजैविक कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक का नाम क्या है, ग्रेमिसिडिन। ग्रेमिसिडिन स्रोत है कौन सा, बैसिलस ब्रेविस है,
और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसी प्रकार है एंटीबायोटिक्स बैसिट्रासिन, कौन सा है बैसिट्रासिन, जो कि बैसिलस सबटिलिस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। ये ग्राम ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, ठीक है, ग्राम जीवाणु है। और एक है एंटीबायोटिक पॉलीमिक्सिन, जो कि बैसिलस पॉलीमिक्सा नामक जीवाणु से प्राप्त होती है। ये है ग्रामीण जीवाणु, ये भी है ग्रामीण जीवाणु। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है आपका वोंकामाइसिन, क्या है वोंकामाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटेलिस जीवाणु से प्राप्त होती है। इसी प्रकार एंटीबायोटिक है टायरोसिडिन, टायरोसिडिन यह स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटेलिस नामक जीवाणु से प्राप्त होती है, ग्रामीण जीवाणु है। और ये है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन भी क्या है एंटीबायोटिक है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से प्राप्त होती है। इसी प्रकार है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक जीवाणु से प्राप्त होती है। इसी प्रकार एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन, यह स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। यह है ग्राम रैकेट्सिया प्रभावी कारक है। और एक है क्लोरेम पेनिकॉल नामक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुली से प्राप्त होती है। इसी प्रकार एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रिस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिके एंड डिकम्पोजिशन मतलब शरण एवं विघटन तथा सफाई में महत्व। तो मृदा में उपस्थित जीवाणु इसमें उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों के विघटन में सक्रिय योगदान देते हैं। इनकी सक्रियता दो स्तरों पर होती है। पहला है मिट्टी में पाए जाने वाले हानिकारक कूड़े कचरे हार्मफुल वेस्ट का शरण डिके करकर एक प्रकार से स्कैवेंजर अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं। दूसरा है मृदा में उगने वाले पौधों के लिए भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पेड़ पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीरों डेड बॉडीज और लिटर का शरण डिके मृतोपजीवी जीवाणु सेप्रोफाइट्स करते हैं। शरण या विघटन क्रिया के दौरान मृदा के खनिज तत्व जैसे कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस एवं सल्फर इत्यादि जो जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में जीवों में होते हैं वह सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रेट जल फॉस्फेट एवं सल्फेट आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें से कुछ मृदा में मिल जाते हैं जबकि शेष वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो मृदा में उपस्थित ये सरल अकार्बनिक पदार्थ पौधों के द्वारा खनिज पोषण के रूप में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। तो जीवाणुओं की शरण एवं विघटन संबंधी क्रियाशीलता का उपयोग महानगरों में संचालित मल निष्पादन तंत्र सीवेज डिस्पोजल सिस्टम में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषित जल पुनः स्वच्छ शुद्ध एवं दुर्गंध रहित हो जाता है। इसी प्रकार मलमूत्र इत्यादि पदार्थों को ये एकत्र नहीं होने देते एवं प्रकृति में नाइट्रोजन तथा कार्बन चक्रों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स एंड बीडिसाइड्स। जीवाणुओं द्वारा कीटनाशी एवं शाकनाशी पदार्थों का अपघटन। तो अनेक प्रकार के जीवाणु विभिन्न कार्बनिक रसायनों का विघटन करते हैं, जैसे कि एक्रोमोबैक्टर, कौन सा बैक्टर है एक्रोमोबैक्टर 2,4-D 2,4-Dichlorophenoxy एसिटिक एसिड का एवं एग्रोबैक्टीरियम स्यूडोमोनास व क्लॉस्ट्रिडियम डेल्पन एवं पाराक्वेट को अपघटित कर मृदा एवं वायुमंडल को इनके हानिकारक प्रभाव से सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। अब है कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स कीट नियंत्रण, क्या है कीट नियंत्रण। तो एक जीवाणु प्रजाति बैसिलस थुरिंजियंसिस एक विशेष प्रोटीन विष का निर्माण करती है जिसे बीटी टॉक्सिन जिसे
पैरा स्पोरल क्रिस्टल कहते हैं, बीटी टॉक्सिन कहते हैं, और यह क्रिस्टल पैरा यह पैरा स्पोरल क्रिस्टल अनेक हानिकारक कीटों के लिए खतरनाक घातक होता है। इसके सेवन से पहले कीट लार्वा को लकवा होता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया जो अपन ने आज पढ़ी। ठीक है, और किसी को पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकता है बेटा, कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, कल अपन लेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया, फिर एक अपन इसका रिप्रोडक्शन भी कल स्टार्ट कर देंगे, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। हाँ बोलो बेटा, मनीषा चौधरी प्रेजेंट। कौन? मनीषा चौधरी। मनीषा हाँ लगा दी बेटा, मनीषा चौधरी। अंजलि मीना हीरल जोशी। ठीक है बेटा, मैम कोमल चौधरी, कोमल आपकी भी लगा दी, कोमल चौधरी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कोमल चौधरी है ना। ठीक है ना मैम। हाँ, ऑफलाइन क्लास कब से होगी? किसका किसका क्या पूछ रहे हो? ऑफलाइन क्लास कब से होगी कॉलेज में? बेटा ऑफलाइन का आपके पास नोटिस आ जाएगा, अभी तो कोई ऐसा नोटिस है नहीं, तो क्या बताया, अभी तो ऑनलाइन ले रहे हो आप लोग। ठीक है, आज वो मीनाक्षी वगैरह नहीं आए ना, मीनाक्षी नहीं तो मैं हॉस्टल में तो हमें बुला रही हूँ मैम। बुला रही है तो आप कब जा रहे हो हॉस्टल में? तो हाँ बेटा, हो आप हॉस्टल कैसे जाऊं? हॉस्टल में कब आपको जब बुला रही है तो आप पूछ लो उनसे कब बुला रही है। वो तो दो बुला रही है अभी मैम, 2 तारीख से बोल रही थी, 2 तारीख से। अच्छा, तो पूछ लो बेटा, चले जाओ हॉस्टल। तो ऑनलाइन क्लास भी लगा रही। अच्छा बेटा ठीक है, अभी तो अपन ये ए वाला चले जाओ हॉस्टल, तो चले जाओ फिर आप।